हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन वेलकम है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फॉन्ट लगा हुआ है, कैलेबरी फॉन्ट है ना, जिससे इंग्लिश का फॉन्ट है। मैं यहाँ पे अगर टाइप कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आमिर, तो यहाँ इंग्लिश में टाइप कर रहा है, लेकिन मैं अभी कीबोर्ड से आल्ट के साथ एच दबाऊँगा तो आप यहाँ पर गौर करिएगा, इस जगह पर ये हिंदी फॉन्ट अपने आप लग जाएगा। आल्ट के साथ मैंने एच दबाया, आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे हिंदी फॉन्ट लग गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और मैंने यहाँ पे लिखा समर हिंदी में। अब मुझे फिर मान लीजिए इंग्लिश चाहिए, तो मैं आल्ट के साथ यहाँ पे देखिए हिंदी लगा हुआ है, मैं आल्ट के साथ ई दबा रहा हूँ, ई दबाते ही यहाँ पे फिर से इंग्लिश फॉन्ट लग गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ये सिर्फ आल्ट के साथ जो भी आप है ना। तो अब ये लग गया, अब मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मान लीजिए बस्ती बस्ती, फिर आल्ट के साथ एच कर रहा हूँ, फिर यूपी उत्तर प्रदेश उत्तर। तो इस तरीके से हिंदी फॉन्ट इंग्लिश फॉन्ट सिर्फ एक शॉर्टकट की से ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। तो ये मेरा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स वर्क करते हैं। और उसके लिए करते क्या है, उसके लिए वो ये करते हैं कि पहले यहाँ जाते हैं, जब इंग्लिश लगाना होता है तो यहाँ पे जाकर इंग्लिश लगाते हैं और फिर जो भी लिखना है वो लिखते हैं, और फिर हिंदी लगाना होता है तो फिर एक यहाँ पे जाकर हिंदी लगाते हैं और फिर यहाँ से जो भी लिखना होता है वो लिखते हैं। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स लिख लेते हैं थोड़े थोड़े से, और फिर उसका उसको क्या करते हैं कि उसको कॉपी करके रखते हैं ना, जैसे इतना लिख लिया और इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी कर लिया, और फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसको पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करके फिर जब इंग्लिश लिखना होता है तो इंग्लिश में क्लिक करते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, और जब हिंदी लिखना होता है तो हिंदी हिंदी में क्लिक करके हिंदी लिखते हैं। तो ये जुगाड़ लगाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं लोग, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार शॉर्टकट बना लीजिए। तो ये शॉर्टकट जो मैंने आल्ट के साथ बनाया है, ये आखिर बनेगा कैसे, इसी को बताने के लिए मैं ये ख़ास तौर से वीडियो हिंदी इंग्लिश मिक्स टाइपिंग करने वालों के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो ये शॉर्टकट हिंदी का जो मैंने अभी आल्ट के साथ एच दबाया और ई दबाया जिससे बन रहा है, तो ये बनेगा कैसे, इसके लिए सबसे पहले, तो इस शॉर्टकट को बनाने के लिए सबसे पहले आप इस कॉर्नर पे जाइए जिसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, इसके इस पोर्शन पर क्लिक करिए और एकदम लास्ट में मोर कमांड्स में आइए। मोर कमांड्स पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपका ये बॉक्स खुल के आएगा। इस बॉक्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे एक कस्टमाइज नाम का बटन है, इस बटन पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने से ये बॉक्स आपका खुल के आएगा, कस्टमाइज कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड को अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें एक पोर्शन है कैटेगरी, जिसमें आपका होम इंसर्ट पेज लेआउट तमाम मीनूज़ हैं जो यहाँ पर होते हैं, और इधर उसके कमांड्स हैं, जैसे मान लीजिए होम पे क्लिक करेंगे तो होम के सारे कमांड्स यहाँ आएंगे, इंसर्ट पे करेंगे तो इंसर्ट के कमांड आएंगे। अब मुझे इसमें से होम की ज़रूरत नहीं है, मुझे फॉन्ट की ज़रूरत है, तो इस कैटेगरी बॉक्स से आप इस कैटेगरी बॉक्स के इस बटन को दबाए हुए नीचे लाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको एक चीज़ मिलेगी, फॉन्ट। फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ जितनी भी फॉन्ट है आपके कंप्यूटर में होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे अगर मैं माइक्रोज पे क्लिक कर रहा हूँ तो माइक्रोज आ रहे हैं, और अगर मैंने फॉन्ट पे क्लिक किया तो यहाँ सारी फॉन्टें देखिए आ गई। ठीक है, मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ, माइक्रोज से माइक्रोज आ रहे और फॉन्ट से फॉन्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब इनमें से मुझे जो फॉन्ट आपको बनानी है, मुझे चूंकि पहले हिंदी बनानी है तो मैं यहाँ पे इसको कुर्ती देव फॉन्ट ला रहा हूँ यहाँ से। अब कुर्ती देव, ये कुर्ती देव फॉन्ट आ गई, और इस पर मैं कुर्ती देव फॉन्ट चुनने के बाद मैंने कुर्ती देव 10 चुना, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये करंट की मैंने बनाई थी आल्ट के साथ एच, तो ये बनी हुई है। मैं इसको क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ये रिमूव हो गई, फिर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। आप कैसे करेंगे, फॉन्ट चुनेंगे, जो सी फॉन्ट बनानी है उस पर क्लिक करेंगे और ठीक उसके नीचे प्रेस न्यू शॉर्टकट की लिखा मिलेगा, इसमें क्लिक करिए और क्लिक करके जो भी आपको की बनाना है आप एल्ट के साथ एच बनाइए, या आप एल्ट के साथ जो भी आपको आसान पड़े, ई जे के ए बी सी डी कुछ भी आप बनाइए, तो मैं एच ही बना रहा हूँ फिर से। और उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे असाइन बटन मिलेगा, इसको असाइन कर दीजिए, तो जैसे ही आप असाइन करेंगे ये शॉर्टकट की यहाँ आ जाएगी, देखिए ये शॉर्टकट की यहाँ आ गई, यानी आपकी हिंदी की शॉर्टकट बन गई। अब इसी टाइम आप जो है इंग्लिश की फॉन्ट भी मैं बना ले रहा हूँ, और आपको मैं जितनी भी फॉन्टें बनानी है शॉर्टकट आप बना सकते हैं, मैं दो ही बना रहा हूँ दिखाने के लिए। फिर यहाँ से मैं कैलेबरी फॉन्ट ढूंढ रहा हूँ, कैलेबरी फॉन्ट जो है
मिलने पर मैं उसको बनाना चाह रहा हूँ कैलेबरी 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 कैलेबरी, है ना, यहाँ पे कैलेबरी आया। तो चूंकि कैलेबरी का मैंने बना रखा था अल्ट ई, इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कैलेबरी भी मैंने क्लिक फॉन्ट पे क्लिक किया, कैलेबरी पे क्लिक किया और प्रेस न्यू शॉर्टकट की मैंने क्लिक किया। अब इसमें मुझे लिखना है अल्ट के साथ ई, यानी इंग्लिश फॉन्ट बनाना, और फिर यहाँ से असाइन करा देना है। असाइन कराने के बाद इसको क्लोज कर देना है। सिंपल आपका शॉर्टकट की बन गया है, ये लाइफ टाइम है जब तक आपके कंप्यूटर में वर्ड है, ओके कर देना है। और जब तक आपके कंप्यूटर में वर्ड है आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट, मैं कंट्रोल एन करके नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, ये आपको बार बार हर डॉक्यूमेंट में, जब भी आप वर्ड खोलेंगे, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट खोलेंगे, हर चीज़ में आपको बना बनाया मिलेगा, है ना। मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ और एन करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश फॉन्ट में मैं लिख रहा हूँ आमिर सिद्दीकी, ठीक है। अब मैं अल्ट के साथ ई दबाने, अल्ट के साथ एच दबाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप गौर करिएगा, इस जगह पर ये जो फॉन्ट इंग्लिश की लगी हुई है हिंदी की फॉन्ट हो जाएगी। अल्ट के साथ एच, एच दबाती देखिए कुर्ती देव आपका लग गया। अब मैं लिख रहा हूँ समर समर। तो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश दोनों अगर आप लिखने वाले हैं, आपको डॉक्यूमेंट में ज़रूरत पड़ती है, आप बार बार हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लिखने लिखते हैं, तो आप कॉपी करके यहाँ पर जाएं, हिंदी फॉन्ट लगाएं और फिर इंग्लिश लगाएं, और फिर या कॉपी करके जुगाड़ लगाकर आप काम करें। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आप दोनों वर्ड्स लिख लें और लिख कर फिर आप जो है कॉपी करके मिटा कर ये लिखें, तो ऐसा ना करें, बल्कि ये शॉर्टकट होता है, आप आराम से शॉर्टकट बनाएं और जब चाहे अल्ट एच अल्ट ई या जो भी आपने बनाया वो बनाकर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा, और कोई कमी हो तो बताएं। और इसके अलावा भी मैं इस पते पर सेंटर चलाता हूं, अगर आपको मेरे इस पते के आसपास हो तो इस पते से आप आकर मुझसे डायरेक्टली क्लास ले सकते हैं। तमाम कोर्सेज मैं ये चलाता हूँ। और आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।